बहुत ही टेस्टी होते हैं नूडल्स। मसाले में हमें मिलेंगे थोड़ा सा मिर्च, ऑनियन फ्लेवर ऑयल एंड वाई वाई टेस्ट इनहेंस मसाला, ठीक है। तो ये छठा पैकेट भी हमने खोल लिया। सिक्स पैकेट हम बना रहे हैं 5 लोगों के लिए, तो एक लोगों के लिए एक काफ़ी होता है। एक कच्चे भी खाने में बहुत अच्छा लगता है। यहाँ से हमने पानी गर्म करने उबालने के लिए रख दिया है। जीरा थोड़ा सा, तेज पत्ता थोड़ा सा, अनियन, लाइटली ब्राउन करने में, ज्यादा पकाना नहीं है। क्योंकि मसाले में ऑलरेडी रहते हैं जिंजर गार्लिक, टोमेटो, इफ यू विश यू कैन ऐड लिटिल बिट हल्दी। Add this chopped thing, थोड़े से लिए हैं, मीडियम फ्लेम है यहाँ पे। ज़्यादा वेजिटेबल ज़्यादा कुक नहीं करना है। I'm gonna add this capsicum. तब तक टोमेटो भी मेल्ट हो गया और वेजिटेबल को बस हाफ कुक करेंगे, क्रंच लेने देंगे, बिल्कुल गलाएंगे नहीं। सारी चीजें हाफ कुक हो गए हैं। अब हम गर्म पानी डाल देंगे। मैंने 6-7 कप लिया है, हम 6 लोग हैं, तो 6-7 बड़ा कप लगा चाहिए, उसी हिसाब से ले लिया है। चला लेंगे। देन लेट्स ऐड सॉल्ट। सॉल्ट ध्यान से ऐड करना है क्योंकि अब इसमें हम एक अच्छा सा उबाल आने देंगे। और 6 पैकेट जितने भी नूडल्स हैं उसके हम इसको हम काट के डालेंगे। सबसे पहले हम इसका जो ऑनियन ऑयल है ये डालेंगे, ऑनियन फ्लेवर। ऑनियन नहीं डाले तो भी चलता है क्योंकि ऑनियन फ्लेवर वाला ऑयल ऑलरेडी है हमारे पास। चिली फ्लेक्स है पाउडर में, ये डालेंगे हम। 6 चिलीज होते हैं, 6 मसाले होते हैं सोचो के नूडल्स के, तो आपको जितना चाहिए उतना डालिए। ज़्यादा तीखा नहीं चाहिए तो थोड़ा कम डाल दीजिए। ऑयल और चिल्ली डालने के बाद हम ये वाई वाई टेस्ट इनहेंस मसाला डालेंगे, जितने हैं सब डाल दी मैं। सारी चीज़ें हमें डाल दी, अब चढ़ा देंगे अच्छे से। गैस का फ्लेम मीडियम में रखेंगे। सूप बिल्कुल तैयार हो गया है। यहाँ पे सूप आप अपने हिसाब से बड़ा चढ़ा सकते हैं, आप इसका थोड़े से सूखे में थोड़े से कम लिक्विड में भी ये नूडल्स बना सकते हैं। मैं सूपी नूडल्स बना रही हूँ, सूपी चाव चाव बना रही हूँ नेपाली। तो ये उबल गया है, अब ये डालेंगे हम चाव चाव। मैंने 6 चाव चाव में से 3 को फोड़ लिए, टुकड़े कर लिए, 3 को ऐसे लंबे लंबे रखे, थोड़े से लंबे खाने में मज़ा आता है, तो ये हम डाल देंगे अब यहाँ पे, ठीक है। और ये फोड़े हुए भी हम डाल देंगे, ये लीजिए। नमक जरूर टेस्ट कर ले, थोड़ा सा हिला ले। मैं आज यहाँ पे वेजिटेरियन ही नूडल बना रही हूँ, जबकि ये चिकन फ्लेवर में आता है ये वाई वाई चाव चाव। तो यहाँ पे मैंने एग्स वगैरह नहीं डाला, आप चाहे तो यहाँ पे एग्स डाल सकते हो, अगर आप एग्स खाते हो तो बहुत ही बढ़िया लगेगा। तो मैं यहाँ पे वेजिटेबल वगैरह डाल के बना रही हूँ, एग्स नहीं डालती हूँ, अगली बार किसी दिन एग्स डाल के भी बताऊँगी। सूपी नूडल बना रही हूँ विदाउट एग्स से। अब हमने इसको मिक्स कर लिया है एंड देन
अब हम लो फ्लेम में इसको 2 मिनट, 2-3 मिनट इसको ऐसे ढक के रख देते हैं लो फ्लेम में, या फिर गैस का फ्लेम यहाँ पे हम बंद भी कर सकते हैं और चाव चाव को थोड़ा सॉफ्ट होने देते हैं। दो दो ही मिनट के टाइम लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। तो चलिए, 2 मिनट हो गया है, नूडल्स हमारा उबल गया है, गैस का फ्लेम हम यहाँ पे बंद कर देंगे। अब फाइनली यहाँ पे थोड़ा सा कोरिएंडर लीफ डाल देते हैं। तो ये हो गया है हमारा नूडल्स, तैयार हो गया है। तो ये देखिए हमारा बंगाली स्टाइल सूपी नूडल्स बनके तैयार है। इतनी मज़ेदार बनी है, नॉन स्टिकी रहती है ये, बिल्कुल भी स्टिक नहीं होती, पर आपको फटाफट से खा लेना पड़ेगा इसको, ठीक है? तो डाल रहे हैं ऊपर नीचे का, ऊपर तो ये तो हम अभी सर्व करने जा रहे हैं। अच्छा, हमने लंच में यही बनाया हुआ। आप चाहे तो नींबू निचोड़ सकते हो ऊपर से, टमाटर वगैरह डाला है तो ऑलरेडी इसमें थोड़ी सी खटास रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। वाओ, देखिए ये मेरे बहन ने क्या बनाया है। अभी अभी टेस्ट टेस्ट की तो बहुत गीला हो गया। चने में भी डाल के खा सकते हैं। चने कौन से लेके आएगा भाभी?